न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। शिवरात्रि के चलते शहर के शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया। सवेरे ही शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिन्होंने भगवान शिव का पंच अमृत से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। कांवड़ियों ने हरिद्वार और गोमुख से पैदल यात्रा कर जलाभिषेक के साथ अपनी कांवड़ को शिवालयों में समर्पित कर सभी को सुख समृद्धि की कामना की। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए सुबह सवेरे से ही शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और रेवाड़ी शहर के मंदिर बोलबम के जयकारों से गूंज उठे। रेवाड़ी के 12,000 स्थित घंटेश्वर महादेव, सोलाराही व कटला बाजार सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उमंग और उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरह कतारों में खड़े होकर श्रद्धालु भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पान फूल फल दूध व बिल पत्र आदि हाथों में लिए मंदिरों में पहुंचे शिव भक्तों का कहना है कि भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है। उन्हें भी विश्वास है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिव भक्त इसे बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पंडित जी क्या कहना चाहोगे शिवरात्रि में? आज का जो दिन है सावन माह का, जो शिवरात्रि है, ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे जगत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन शिव मंथन, वो समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें जो मंथन के अंदर विषय निकला था उसका समय महाकाल ने, कालों के काल महादेव ने विषपान किया था और संसार की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने इसका पान किया था। इसी उपलक्ष के अंदर आज पूरे उसके अंदर महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। श्रद्धालु पैदल हरिद्वार से जाकर गंगा जल लाते हैं और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ पर अपने अपने स्थानों पर आकर जलाभिषेक से, गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। अपने परिवार की, अपनी देश की, कौम की और अपने स्थान की, सबकी भलाई के लिए और उनकी उन्नति हो, खुशहाल रहे, हमारा देश दिन ब दिन तरक्की करे, इसकी मनोकामना करते हैं। और इस दिन ये भी मानता है जो श्रद्धा से सह परिवार भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, भगवान उसके हर कष्ट को हरेंगे और उसे उन्नति देंगे और उसका परिवार हमेशा फलेगा फूलेगा। जय बोले। क्या नाम पंडित जी आपका? मेरा नाम बांके बिहारी जी, क्या कहना चाहोगे आज शिवरात्रि को? शिवरात्रि के आज के दिन समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, वो विष शिव जी ने पान किया था, उसी के उपलक्ष में शिव जी को स्नान कराया जाता है। और शिवरात्रि हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग कांवड़ लाते हैं, जल चढ़ाते हैं। जय भोले की, जय महाकाल की। क्या नाम है आपका? भोले। मेरा नाम प्रेम सागर है। क्या कहना चाहोगे कांवड़ को लेकर आज शिवरात्रि के पर्व? ऐसे कहना चाहेंगे योगी सरकार ने बहुत बढ़िया बंदोबस्त करा था, बहुत सच्चाई थी और बहुत अच्छा जगह पे शिविर लगे हुए थे, जिन्होंने बहुत हमारा सहयोग करा, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उनकी वजह से आज बहुत अच्छा नाम कांवड़ियों की यात्रा का संभव हुई है। जो पुलिस कर्मचारी वहाँ पे थे उनके द्वारा पुष्प वर्षा करवाई गई थी, उनकी वजह से बहुत अच्छा सहयोग मिला और उन्होंने आगे बढ़ने का सही, उन्होंने क्या नाम है, आगे बढ़ने का सहयोग दिया। बहुत ही सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार के अच्छे प्रबंध थे। बिल्कुल बिल्कुल। जय भोले। जय। क्या नाम है आपका? भोले। नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, कहाँ से कांवड़ देख के आए और क्या, कौन सी कांवड़ लाए हो? हरिद्वार से डाक कांवड़ लाए हो। तो क्या कहना चाहोगे आज शिवरात्रि को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब कुछ। कैसे वहाँ पे यूपी में हरिद्वार में कैसे बंदोबस्त किए गए थे कांवड़ियों के? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कहीं भी कोई परेशानी नहीं है?